माय गॉड, थक गई मैं तो आज। प्रिया, प्रिया, मम्मी जी ठीक ठाक रही मीटिंग? घर पसंद आ गया? घर नहीं, फ्लैट। वो तो पसंद आ गया, पर आज तेरे पापा ने मुझे ना मेरी फ्रेंड के सामने इतना शर्मिंदा कर दिया। ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती। आप मेरे घर पर, आप कैसे? आप तो घर देखने, मतलब मेरा मतलब है कि फ्लैट देखने गए थे ना, मेरे घर कैसे? अब मुझे क्या पता था कि वो बिल्डर और तेरे पापा दोस्त हैं, वहीं बिल्डर के साथ ही खड़े हुए थे, आए हुए थे उनके साथ। तो मुझे देखकर इतने बड़े बिल्डर के सामने कहने लगी कि ये हमारी प्रिया की सास है। अरे ये कहना जरूरी था क्या? अब क्या सोचेंगे वो कि मिसेस शर्मा की बहू एक मामूली से स्कूल टीचर की बेटी है? और इतना ही नहीं, फिर कहने लगी कि आपको हमारे घर आना पड़ेगा। मैंने इतना मना किया, इतना मना किया, पर नहीं, इशारा भी किया उनको। फिर मेरी फ्रेंड से कहने लगे कि आपको भी इनके साथ चलना पड़ेगा। तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात हो गई? अच्छी बात तो है, और उन्होंने जो भी किया आपके मान सम्मान के लिए ही किया। मान सम्मान, माय फुट। अरे मैंने अभी तक अपनी फ्रेंड से ये तक नहीं बताया था कि मेरे बेटे की शादी ऐसे घर की बेटी से हुई है। ऐसे घर से मतलब? कहना क्या चाहती हो मम्मी जी आप? क्या कमी आंख है मेरे घर में? क्लास की कमी है, स्टैंडर्ड की कमी है। अरे कहाँ हम और कहाँ तुम। हाँ हूँ मैं स्कूल टीचर की बेटी, और क्या कमी छोड़ी हमारे माँ बाप ने? अरे उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाया, और आज ये उन्हीं की तपस्या है मम्मी जी जो मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ। और आपने मुझे पसंद जो किया था वो मेरी नौकरी देख के ही पसंद किया था ना। हमारा घर तो तब भी वैसा था जैसा अब है, तब आपको नहीं दिखाई दिया था ये सब। और उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं बांधा आपके बेटे के साथ, आप ही देखने आई थी मुझे और आपने ही पसंद किया था। कहने का मौका तो मम्मी जी आप तब भी नहीं छोड़ती, आप जैसी औरतें होती हैं जिनके लिए करो तो उन्हें परेशानी, ना करो तो परेशानी। पता नहीं मम्मी जी, आप जैसी औरतों की ना एक ही प्रॉब्लम होती है, आप लोगों का मान सम्मान करो तो इतना क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, उन्होंने मेरे हिसाब से नहीं किया। और ना पूछो, ओहो अरे एक बार पूछ ही लेते। यानी आप जैसे लोगों की ना संतुष्टि पूरी होनी ही नहीं है, आपके लिए करो तो सुनना है, ना करो तो सुनना है, यानी कि हर हाल में बेटी के बाप को सुनाना ही सुनाना है। हाय फ्रेंड, शादी करते वक्त कुछ माँ बाप, मैंने कहा कुछ, सभी नहीं, बच्चों की शादी करते टाइम वो बस यही बोलते हैं कि भाई हमें तो बस लड़की दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की गुणवान हो, पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन जैसे ही शादी के बाद थोड़ा सा समय बीतता है, उनकी डिमांड चालू हो जाती हैं कि आपने ये नहीं दिया, वैसे नहीं दिया, ऐसे देना चाहिए था, हमारा मान सम्मान में हमारी कमी रह गई। लड़की अगर लड़के के परिवार से थोड़ी सी भी कम होती है, कम मतलब उनके स्टैंडर्ड से थोड़ी सी कम होती है, तो बार बार उनके गरीबी के उसको बार बार उलाने दिए जाते हैं, और थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो उसको ये बोलते हैं कि तुझे तो मायके का घमंड है। अरे भाई, आप पूरी देखभाल करके उस लड़की को अपने घर लेकर आए हो, वो ज़बरदस्ती आपके घर नहीं आई है। भाई मेरे तो विचार यही है, आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।